पुलिस ने राजघाट थाना क्षेत्र से दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके पास से 500 के 56 भारतीय जाली नोट, एक पिस्टल, दो कट्टा, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी की मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस को मिली इस सफलता का खुलासा करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह और सीओ कोतवाली तारकेश्वर पांडे ने बताया कि एसएसपी के निर्देश से लूट और इनामी बदमाशों की धर पकड़ के लिए सीओ गोरखनाथ तथा सीओ कोतवाली के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हार्वर्ड बंधे पर तीन संदिग्ध युवक एक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। मौके पर जब पुलिस पहुंचकर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो युवकों ने उनके ऊपर फायर झोंक दिया और भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश भागने में सफल हुआ। पकड़े गए बदमाश की पहचान चिलुआताल थाना अंतर्गत काजीपुर निवासी त्रिभुवन सिंह उर्फ पिंटू सिंह पुत्र कलेक्टर सिंह तथा दूसरे बदमाश की पहचान राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर नक्की रोड स्थित यूनुस उर्फ मोना पुत्र अब्दुल रहमान के रूप में की गई है। इन लोगों के पास से 28,000 के 500 रुपए के 56 भारतीय जाली नोट, 9 mm का पिस्टल, 315 बोर का दो कट्टा, दो मैगजीन, 37 जिंदा कारतूस, लूट की मोटरसाइकिल, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों का संबंध पूर्व में ISI के चिन्हित एजेंट परवेश टांडा और नेपाल निवासी वसीम उर्फ खब्बू से रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली तारकेश्वर पांडे ने बताया, सत्ताईस राउंड लिविंग नहीं, सात राउंड अलग बोर का, 32 का है, 38 का है, 9 mm का है, नोट आने सबका दो मैगजीन है, तीन मैगजीन है, ये कट्टे की क्वालिटी भी अलग है, जब आप हैंडल करते हैं तो पता चलता है ना। इसमें त्रिभुवन कौन है? ये क्राइम ब्रांच राजघाट पुलिस सीओ क्राइम, हम लोग सब मिलकर के काम कर रहे थे। डेवलपमेंट काफ़ी दिनों पुराना है, धीरे धीरे ट्रेस हो रहा था, साथ में दानिश की भी खोज की जा रही थी, तो इन्हीं लोगों के तलाश में जो सब लोग लगे हुए थे उस संदर्भ में ये हर्बर्ट बंधे से ये दो लोग बाइक से जाते हुए पकड़े गए, जिनमें दानिश एक भाग गया, तो ये त्रिभुवन और इसके दानिश का छोटा भाई यूनिस, ये दो लोग पकड़े गए हैं। ये त्रिभुवन का वर्क जो है बहुत पुराना है, काफ़ी दिनों से ये काम कर रहा है। ये परवेश टांडा एक किसी ज़माने में ISI एजेंट हुआ करता था, जो नेपाल में जिसको मार दिया गया है, तो नेपाल में उसकी हत्या हो गई थी, उसके साथ इसके भी इसके लिंक हैं। बलजिंदर सिंह बल्ली एक हैं, वो उन लोगों के साथ भी, बलजिंदर सिंह बल्ली जो आज तिहाड़ जेल में है, आजकल बंद है, उस व्यक्ति के भी साथ इन्होंने काम किया है, जो कि स्टेट बैंक लूटने के लिए कभी आया हुआ था। ये पुराने खिलाड़ी हैं, बड़े वेपन्स में डील करते हैं, असलहे के बड़े तस्कर हैं, फाइनेंशियल करेंसीज में भी इनका काम है। हम लोग जो इनको पकड़े हैं, इनको एक पिस्टल मिला है, दो कट्टे मिले हैं, भारी मात्रा में 27 जिंदा कार्ट्रिजेज मिली हैं, 56 लगभग 500 के नोट हैं, जो कि देखने से पता चल जाता है, जब आप उसको टच करेंगे तो ये फील करके पता चल जाता है कि ओरिजिनल नहीं है। इसका सोर्स, इसकी वर्कआउट, इसका बाइंग रेशियो, इसका सेलिंग पॉइंट, परचेज इश्यूज, सारी चीज़ों पर बात किया जा रहा है, उस पर डीलिंग चल रही है कि हम लोग आगे वहाँ काम कर रहे हैं। जाँच जो है बड़ी एजेंसी तक चली गई है, स्टेट लेवल के और बाकी लेवल की एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं, बड़े पैमाने पर भी जांच कार्रवाई इस पर हो रही है। कहाँ तक नेटवर्क है इसका? अब ये नेपाल का टच तो इनका है ही है, बाकी इनका नेटवर्क जो है बिहार से भी है, बॉर्डरिंग स्टेट से भी है, दिल्ली से भी है, तो इस पर जो है पूरा वर्कआउट अभी होने में, डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा, अभी काम हुए हैं उसमें। ये कार्रवाई जो है एक बड़े गोरखपुर पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी सफलता है, इसमें सीओ क्राइम साहब का बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी बहुत बहुत मेहनत किया है, पूरी टीम ने मेहनत की है,
अब आगे अभी इसको फिनिश अप कर लें, हम लोग बेहतर तरीके से दिखाना पड़ेगा। कौन मुखिया और कितने सदस्य होने को अनुमान है इनके? अभी मुखिया इनके पीछे का वर्क क्या है वो भी क्लियर नहीं है, मगर जो आज हमें पकड़ा गया है तो त्रिभुवन अपने आप में पर्याप्त है, ये अपने आप में बड़ा अपराधी है। अब इसके पीछे क्या वर्क हुआ, आजकल ये किसके साथ रह रहा है, क्या हो रहा है, इन सब पे सारा वर्क किया जा रहा है। फिर जैसे ही पता चलेगा फिर आप लोग से शेयर किया जाएगा।